नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस एनालिसिस वीडियो में। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इन्फोसिस शेयर के ऊपर। नौकरी के नाम से ये स्टॉक लिस्टेड है, तो स्टॉक में बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट हो रही है। ऑलमोस्ट जो है 50% अपने टॉप से स्टॉक करेक्ट हो चुका है। तो हम लोग इन डिटेल में आपको यहाँ पे देखने वाले हैं स्टॉक में क्या कुछ हो सकता है, आगे हम लोगों का क्या प्लान होना चाहिए, किस लेवल तक स्टॉक जो है नीचे जा सकता है और किस लेवल पर हम लोगों को फ्रेश बाइंग करनी चाहिए। तो सभी चीज़ों को हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, एनालिसिस अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब जो है हम लोग एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आपको फंडामेंटली अगर देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या कुछ चेंज हुआ है। रिजल्ट अभी आपको लास्ट क्वार्टर का आया नहीं है, तो इसलिए अभी हम लोग रिजल्ट के ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक चीज देखेंगे तो प्रमोटर ने अपने होल्डिंग को ऑलमोस्ट रिड्यूस किया है। लास्ट दो क्वार्टर्स में उन्होंने रिड्यूस नहीं किया था, लेकिन इस क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में, मार्च 2022 के क्वार्टर में जो है यहाँ पे उन्होंने मार्जिनली अपने स्टेक को रिड्यूस किया है। 38.17% आपको अब उनका स्टेक हो गया है। अर्लियर जो है वो आपको 38.4% हुआ करता था। अच्छी बात यह है जो एक भी शेयर यहाँ पे आपको प्रमोटर का प्लेज नहीं है। FII की अगर हम लोग बात करें, FII कंटिन्यूसली अपने स्टेक को यहाँ पर रिड्यूस कर रहे हैं। लास्ट क्वार्टर में 36.37% इनका स्टेक था, जो कि इस क्वार्टर में आपको 34% रह गया है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 2.5% के राउंड जो है उन्होंने अपने स्टेक को ट्रिम किया है। लेकिन अगर हम लोग DII की बात करें, DII कंटिन्यूसली अपने स्टेक को यहाँ पे बढ़ाते जा रहे हैं, और इस क्वार्टर में भी उन्होंने ऑलमोस्ट 1.3% से अपने स्टेक को इंक्रीज किया है। रेस्ट अगर हम लोग पब्लिक की बात करें, पब्लिक का भी पार्टिसिपेशन यहाँ पे बढ़ रहा है, क्योंकि जितने ज़्यादा FII सेल कर रहे हैं, प्रमोटर सेल कर रहे हैं, पब्लिक और DII उसको बाई कर रहे हैं, तो इसी वजह से जो है पब्लिक का होल्डिंग यहाँ पे हम लोगों को बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो चलिए अब हम लोग जो है इन डिटेल में टेक्निकली बात करते हैं स्टॉक में क्या कुछ हो रहा है। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, स्टॉक ने बहुत अच्छा बुल रन दिया है। यहाँ पे आपको 2016-17 में ऑलमोस्ट 1000 के राउंड ट्रेड कर रहा था स्टॉक, जो कि अपना हाई जो है 7400 के ऊपर आपको लगा के करेंटली रिट्रेस कर रहा है, और 4000 के नीचे आज आपको क्लोजिंग दे चुका है। तो स्टॉक में अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टॉक ने बहुत अच्छा पैसा बना के दिया है। 17 से 2022 तक जो है यहाँ पे आपको 21 तक यहाँ पे आपको बहुत अच्छा पैसा बना है। मोर देन 700% का रिटर्न जो है स्टॉक ने बना के दिया है। लेकिन करंटली अगर हम लोग देखेंगे तो स्टॉक में बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे डाउन ट्रेंड दिख रहा है, और लास्ट कई मंथ से यहाँ पे आपको कंटिन्यूसली फॉल हो रहा था। फेब्रवरी और मार्च में देखेंगे तो यहाँ पे, अप्रैल और मार्च में देखेंगे तो यहाँ पे एक पुलबैक जरूर हो रहा था, लेकिन वापस से आपको मई के स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छा ब्रेकडाउन हुआ है। स्टॉक ने अपने मेजर सपोर्ट लेवल को यहाँ पे ब्रेक किया है, क्योंकि अगर हम लोग इस लेवल को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इस लेवल के अराउंड 4200 के अराउंड स्टॉक बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट ले रहा था। इस लेवल के अराउंड आप देखिए इससे पहले भी एक अच्छा यहाँ पे कंसोलिडेट किया था। 6 to 7 month कंसोलिडेट होने के बाद ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद जो है आपको यहाँ पे 7500 तक का रैली हुआ, वापस से उसी लेवल पे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, बाउंस करने का कोशिश किया, बट यहाँ पे नहीं सस्टेन कर पाया और यहाँ पे नीचे की साइड ब्रेकडाउन हो चुका है। अब अगर हम लोग देखेंगे, एक अच्छा स्टॉक में ब्रेकडाउन हो चुका है, मंथ का फर्स्ट वीक है और फर्स्ट वीक में ही यहाँ पे बहुत अच्छा नीचे की साइड मूवमेंट हो चुका है। अगर हम लोग नीचे की साइड इमीडिएट सपोर्ट अगर देखेंगे तो स्टॉक में जो है 2000 से 3000 इस लेवल के अराउंड जो है हम लोगों को इमीडिएट सपोर्ट दिख रहा है। तो स्टॉक के पास नीचे की साइड फॉल करने के लिए अभी भी अराउंड 800 to 900 का जो है एक अच्छा स्पेस है, जहाँ पे कि स्टॉक फॉल हो सकता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें वीकली चार्ट की, तो वीकली चार्ट में भी क्लियरली अगर हम लोग देखेंगे, स्टॉक ने बहुत अच्छा यहाँ पे पैटर्न फॉर्म किया है। क्लियरली लोअर हाई, लोअर लो का फॉर्मेशन जो है स्टॉक कंटिन्यूसली यहाँ बना रहा है, और एक अच्छे ब्रेकडाउन जो है आपको वीकली चार्ट में भी यहाँ पे दिख रहा है। अगर हम लोग वीकली चार्ट में भी बात करें, सपोर्ट समय अराउंड आपको 2500-3000 के अराउंड ही यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है। तो अब अगर हम लोग बात आते हैं, जो सबसे पहली बात, क्या हम लोगों को फ्रेश बाइंग अभी करनी चाहिए? तो फ्रेश बाइंग अभी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक में फ्रेश ब्रेकडाउन हुआ है और स्टॉक यहां पे और नीचे जा सकता है, इसलिए आपको यहां पे फ्रेश बाइंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए।
दूसरी बात होती है जो बहुत से लोग आपको इस स्टॉक में 7600 7500 के लेवल से यहाँ पे फंसे हुए हैं। और एक चीज याद होगा, यहाँ पे मैंने इससे पहले जब एनालिसिस किया था उसी टाइम में मैंने आपको सम अराउंड 6500 के अराउंड मैंने आपको वार्न किया था जो यहाँ पे स्टॉक में एक अच्छा गिरावट देखने को मिल सकता है, तो आपको इस स्टॉक से एग्जिट कर जाना चाहिए अगर आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए। तो बट वहाँ पे भी बहुत से लोगों ने आपको होल्ड करके रखा और अभी जो है उनका पोर्टफोलियो बिल्कुल ही डीप रेड में हो चुका है क्योंकि स्टॉक मोर देन 50% यहाँ पे करेक्ट हो चुका है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे और गिरावट हो सकती है इसलिए आपको यहाँ पे फ्रेश बाइंग नहीं करनी है, ना ही आपको यहाँ पे एवरेज करना चाहिए। एवरेज करने के लिए भी आपको बिल्कुल यहाँ पे टाइम मिलेगा। अगर हम लोग करंट चार्ट पे देखें, इनकेस यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन फेल भी होता है तो भी जब तक स्टॉक 5000 के लेवल के ऊपर नहीं निकलता है, सस्टेन नहीं करता है, हम लोगों को यहाँ पे फ्रेश बाइंग नहीं करनी चाहिए। नीचे की साइड अगर स्टॉक यहाँ पे निकलेगा तो फिर जो है आपको 2500 इस के राउंड जो है कहीं पे स्टॉक को सपोर्ट लेना चाहिए क्योंकि ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। इससे पहले भी आपको इसी लेवल से ब्रेकआउट आया था, 2020 के क्रैश के बाद आपको इसी लेवल से ब्रेकआउट आया था, तो इस लेवल के अराउंड जो है स्टॉक को सपोर्ट लेना चाहिए। तो यहाँ पे जो है हम लोग एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए देख सकते हैं, लेकिन अभी आपको यहाँ पे फ्रेश पोजिशन नहीं बनाना चाहिए। स्टॉक के पास एक अच्छा स्पेस है, 900 to 1000 पॉइंट और नीचे स्टॉक यहाँ पे आ सकता है, तो इसी वजह से जो है आपको यहाँ पे फ्रेश बाइंग नहीं करनी चाहिए, ना ही अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है तो आपको यहाँ पे होल्ड आपको यहाँ पे एवरेज करना चाहिए। एवरेज करने के लिए भी और नीचे आपको स्पेस मिल सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी, आप लोग सभी चीजों को लॉजिकली समझ गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।